अगर आप देख रहे हैं वीडियो, कारकुन है पीटीआई के, तो यकीनन जमान पार्क आते वक्त आप ये सोचते होंगे कि चाय कहाँ से पियेंगे, खाना कहाँ से खाएंगे, और अगर रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ चाहिए तो क्या करेंगे। चाय नहीं मिलती थी, हम दीवाने हैं चाय के। फिर हमने कहा ऐसे चाय लगा लें, उधर से इधर ले आए, फिर हमने लगाया, हमको देखा दो तीन बार और भी लगा दी है चाय। कितनी कमाई कर लेते हैं? 10-15 हो जाती है। 10,000 डेली। ख्वाहिश है खान साहब से मिलने की? नहीं, ज़्यादा नहीं है खान, ये पैगाम है खान, तुम कदम बराब, हम तुम्हारे साथ हैं, पीछे ना हटो, बस यही हमारा पैगाम है। अस्सलाम वालेकुम जी, न्यू डिजिटल के साथ मैं हूँ रूबा उरूज। नासरीन जमान पार्क में मौजूद हैं, और अगर आप देख रहे हैं वीडियो, कारकुन है पीटीआई के, तो यकीनन जमान पार्क आते वक्त आप ये सोचते होंगे कि चाय कहाँ से पियेंगे, खाना कहाँ से खाएंगे, और अगर रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ चाहिए तो क्या करेंगे। ऐसे ही एक कारकुन मेरे साथ मौजूद हैं जिनका ताल्लुक मियांवाली से है। इन्हें जब खुद जमान पार्क में चाय ना मिली तो इन्होंने चाय का अपना ही स्टॉल लगा लिया है। खान से मोहब्बत एक तरफ, कारोबार एक तरफ, बात करते हैं और जानते हैं कि कितनी कमाई हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मियांवाली से आप आए, मुझे बताएं जमान पार्क कितना टाइम हो गया है और क्या कर रहे थे पहले, स्टॉल कब से लगाया और कितना फ़ायदा हो रहा है? रमज़ान से दो दिन पहले लगाया स्टॉल, इधर से पहले ठोकर पर लगाते थे, अब एक माह हो गया इधर ही है, गुजारा हो रहा है माशाल्लाह। जमान पार्क कब से मौजूद है? वैसे तो 2 माह हो गए हैं इधर ही मौजूद हैं। पहले क्या करते थे? पहले ठोकर पर ना काम करते थे, टायर लगाते थे। इधर कैसे आते थे? इधर मोटरसाइकिल पर, रात को इधर आते थे, दिन उधर काम करते थे। अच्छा इधर आते थे तो आपका काम ज़ाहिर तो नहीं हो रहा होगा ना, फिर तो आप यहाँ पे ही टाइम दे रहे होंगे, तो फिर ये सोचा कि इधर आके बिजनेस किया जाए। हम रात को इस वक्त आते थे ना, 10-11 बजे फिर चले जाते थे, फिर सुबह अपना काम करते थे, फिर शाम को आ जाते थे। ये किसने आइडिया दिया कि यहाँ पे ही चाय का स्टॉल लगा लें? हम खुद भी, चाय नहीं मिलती थी, हम दीवाने हैं चाय के, फिर हमने कहा ऐसे चाय लगा लें, उधर से इधर ले आए, फिर हमने लगाया, हमको देखा दो तीन बार और भी लगा दी है चाय, माशाल्लाह काम ठीक चल रहा है आज। कितनी कमाई कर लेते हैं? 10-15 हो जाती है। 10,000 डेली। वाह ये तो बड़ा अच्छा है, आपके तो अपने इलाके में स्टॉल पर इतनी कमाई नहीं होती होगी। नहीं, उधर इतनी होती थी। मुझे बताएं कि खान साहब से कोई मुलाकात वगैरह हुई है, कोई पैगाम उनके लिए? खान से मुलाकात तो अफसारी के लिए गए थे, खान के घर में अफसारी कर खान ने तकरीर की, उसके बाद हम फोन घर आ गए, इधर ही आकर बैरी, बस मुलाकात नहीं हुई। ख्वाहिश है खान साहब से मिलने की? नहीं, ज़्यादा नहीं है, बस खान को इधर देख लेते हैं, जाता है तो बस सलाम कर देते हैं। कोई पैगाम है खान साहब के लिए? खान को यही पैगाम है खान, तुम कदम बराब, हम तुम्हारे साथ हैं, पीछे ना हटो, बस यही हमारा पैगाम है। अच्छा अगर खान साहब चाय मंगवाएं तो कितने पैसे मांगेंगे? नहीं, खान को फ्री देंगे, खान को वर्कर को भी फ्री देंगे, खान से पैसे कौन लेता है। अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं है जमान पार्क में मौजूद हैं तो यहाँ पे वर्कर्स आके खान साहब का नाम लेके फ्री में चाय पिए जाते हैं? खान साहब का काम नहीं लेते, खुद ही अपने पैसे देकर जाते हैं, जो भी लेते हैं चाय, फ्री मांगे तो चाय दे देते हैं? दे देते हैं, बिल्कुल दे देते हैं। अच्छा ये बताएं कि कोई ऐसी ख्वाहिश है खान साहब से मुलाकात करके, उन्हें कोई पैगाम देना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, कोई उनसे टिकट मांगे हैं, कोई अपने हलके के लिए काम कराना चाहते हो? माशाल्लाह खान साहब ने ना अपने मियाँ वाली का बहुत काम किया है, और जब ना वो ना फारग हुए थे ना, उन्हें एडवांस ही दे दिया सब कुछ ना, माशाल्लाह काम सही हो रहा है मियाँ वाली में। अच्छा जब खान साहब हुकूमत में थे तो बहुत काम हो रहा था, उसने ना एडवांस सब कुछ दे दिया है। अच्छा ये बताएं कि जब खान साहब हुकूमत में थे तो आप जैसे ही लोग कहते थे कि महंगाई है महंगाई है, अब क्यों बदल गए ये लोग? उस वक्त तो ना कोरोना था, खान साहब जब आई थी उस, इसलिए ना महंगाई ज़्यादा हो गई थी। अच्छा इसलिए अब खान साहब दोबारा आएंगे तो उनसे क्या उम्मीदें हैं? इंशाल्लाह महंगाई कम होगी, मुल्क खुशहाल होगा, और क्या होगा। अच्छा मुझे बताएं कि फैमिली कहाँ रहती है, उनको भी जमान पार्क लेके आते हैं? जी लेकर आते हैं, ज़रूर लेकर आते हैं, वो ठोकर पे गया है, कल लेकर आएँगे इंशाल्लाह। वालदा वगैरह सबको लेके आते हैं? नहीं वालदा तो वो पीछे मियाँ वाले में है, सिर्फ फैमिली हमारे साथ है। खान साहब से इतनी मोहब्बत की वजह क्या है? खान बस सच्चा इंसान है, सीधे इंसान है, इसीलिए मोहब्बत बहुत ज़्यादा है जी। ये थे जमान पार्क के टी स्टॉल वाले, चाय वाले, जिनका ताल्लुक मियाँ वाली से है, और इन्होंने सिर्फ यहाँ पे चाय क्योंकि नहीं मिल रही थी, ये कारकुन है पीटीआई के, और इन्होंने अपना चाय का स्टॉल लगा लिया, और ये 10,000 रुपये डेली बेसिस पे यहाँ से कमा लेते हैं। तो जमान पार के कारकुनान ना सिर्फ खान से मोहब्बत में यहाँ पर मौजूद हैं, बल्कि उसके साथ साथ यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी मौजूद हैं।